Hi, all the wonderful people watching my YouTube channel पूजा उपाध्याय ऑल इन वन राइट नाउ. दोस्तों अभी मैं यहाँ पर अहमदाबाद में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर खड़ी हूँ और मैं जा रही हूँ एक न्यू डेस्टिनेशन सर्व करने के लिए, क्योंकि दो दिन की छुट्टी है इसलिए. और वो जगह है वलसाड़. तो वलसाड़ में जा रही हूँ जहाँ पर बीचेस भी हैं, हिल स्टेशन भी हैं, झरने भी हैं, नदियाँ भी हैं. तो अब मैं आज आपको वलसाड़ की यात्रा करवाने वाली हूँ. वलसाड़ में आप क्या क्या देख सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, वो इस वीडियो में देखेंगे. तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, चलते हैं वलसाड़ की यात्रा की ओर. सो फ्रेंड्स, फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए हैं अहमदाबाद से वलसाड़ के लिए. अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से, कालूपुर रेलवे स्टेशन से बहुत सारी ट्रेन चलती है मॉर्निंग से नाइट शिफ्ट की, और इसका 140 मिनिमम से लेकर मैक्सिमम 500 प्लस का किराया रहता है. आपको टोटल जो जर्नी वो 5 आवर्स की रहती है. तो हम ऑलमोस्ट 7:10 के आसपास ट्रेन में हम बैठे थे, जो दादर तक की ट्रेन थी, और उसने हमें 12:20 तक वलसाड़ रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया. रेलवे स्टेशन में पहुंचने के बाद हमने, क्योंकि कोई होटल बुक नहीं करवाया था इसलिए आसपास के लोगों से पूछा, और सर्च करने के बाद हमने काफ़ी होटल्स देखे. वैसे स्टेशन के आसपास बहुत सारे होटल हैं, लेकिन फाइनली ये जो होटल आप देख रहे हैं जिसका नाम है होटल अदीना, यहाँ पर हमने स्टे करने का फाइनलाइज किया, कि जो कि रेलवे स्टेशन से 5-10 मिनट्स के सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस में बहुत अच्छा होटल है. बेसिकली इसका जो एकोमोडेशन है, जो इसका इंटीरियर है, रूम्स की क्वालिटी वो बहुत अच्छी है. तो फाइनली वी आर डिसाइडिंग टू स्टे ओवर हियर. सो दोस्तों, फाइनली हम रेडी हो गए हैं घूमने के लिए. आज हम जा रहे हैं शंकर दूत, विल्सन हिल स्टेशन और बरुमल टेम्पल. तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको शंकर दूत के दर्शन कराने वाली हूँ. बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है. कई सारी वीडियोस भी मैंने यूट्यूब में सर्च की थी घूमने से पहले, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि गुजरात देखिए एक ड्राई स्टेट है. तो यहाँ पर झरने, नदियाँ, हिल स्टेशन, पहाड़ हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि गुजरात लोकल में ही हम ऐसी अगर जगह देख लें, हमें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, तो ये बहुत अच्छी जगह है. वलसाड़ में आप घूमने आ सकते हैं. बेसिकली मॉनसून और विंटर सीजन को प्रेफर करिए आने के लिए. तो हम वलसाड़ से अभी जा रहे हैं धर्मपुर की ओर. धर्मपुर जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी में है वलसाड़ से. काफ़ी स्ट्रेट ट्रांसपोर्टेशन की बसेस चलती हैं, जिसका मिनिमम 30-35 रुपीस का किराया है. आप आसानी से जा सकते हैं. अगर आप प्रेफर करना चाहते हैं किसी अपनी पर्सनल गाड़ी को, तो दोस्तों उसका किराया 2.5 से 3 हज़ार का लगता है. ऑलमोस्ट 2.5 से 3 हज़ार लोग लेते हैं वलसाड़ से विल्सन हिल स्टेशन और शंकर दूत और बरुमल टेम्पल घुमाने के लिए. तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन प्रेफर कर सकते हैं. तो हमने बस का प्रेफर किया है. हम धर्मपुर जा रहे हैं यहाँ से, और वहाँ से धर्मपुर से सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस में जो है एक लोकेशन है वहाँ पर, जो आप अगर वहाँ से लोकल लाइट से पूछेंगे तो ऑटो वाला आपको छोड़ देगा. और वहाँ पर बहुत सारी गाड़ी जो है पर्सनल गाड़ी चलती हैं, जो आपको आराम से ये तीनों लोकेशन में घुमा देती हैं. तो अब हम लोगों ने ये पर्सनल गाड़ी भी कर ली है और हम निकल रहे हैं सबसे पहले लोकेशन हमारी शंकर दूत को सर्व करने के लिए. ये गाड़ी करने के बाद हमने ड्राइवर से पूछा तो हमें पता चला कि धर्मपुर से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में, मतलब कम से कम 45 से 1 आवर की डिस्टेंस की जर्नी है शंकर दूत तक पहुंचने के लिए. और शंकर दूत के ही नियर बाय में है विल्सन हिल स्टेशन और बरुमल टेम्पल. तो ये तीनों जगह हमें जो हमने गाड़ी की वो ड्राइवर हमें घुमाने वाले हैं. तो सबसे पहले हम जा रहे हैं शंकर दूत. दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हिल स्टेशन की जर्नी है, ट्रैवलिंग जर्नी, बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही एडवेंचरस है. आप अगर इस सुंदरता को कैप्चर करना चाहते हैं तो अपने कैमरा को हमेशा कैप्चर मोड में रखिए, क्योंकि आपको इतने सुंदर हरियाली दिखाई देगी. बादल तो ऐसे लगेंगे जैसे आपके बिल्कुल नज़दीक हैं, जैसे आपको ऐसा लगेगा रूई सब जगह बिछी हुई है, इतनी सुंदरता है. और बहुत ठंडी हवाएं बहती है. तो ये जो 1 घंटे का सफ़र है, हमें बिल्कुल पता नहीं चला कि ये 1 घंटा कब ख़त्म हो गया और हम शंकर दूत पहुँच गए. तो ये जो ट्रैवलिंग है जो मैंने कैप्चर की है अपने फ़ोन से, आपको मैं इसके नज़ारे दिखा रही हूँ. देखिए कितने सुंदरता से भरा हुआ है, इतनी एडवेंचरस जर्नी है, इतने घुमावदार जो रास्ते हैं उसमें जाना और उसे देखना बहुत ही अच्छा है. ये जो पूरा का पूरा हिल स्टेशन है दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली गाँव के लोग, ग्रामीण लोग, रूरल पीपल रहते हैं. ज़्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी है. और मैंने ऑब्जर्वेशन से मुझे पता चला कि ना ये लोग गुजराती बोलते हैं, ना ही
मराठी बोलते हैं, ये बेसिकली कोंकणी लैंग्वेज बोलते हैं जो कि गोवा के आसपास की लैंग्वेज है। तो ये उसी साइड की कम्युनिटी, उसी साइड की ट्राइबल कम्युनिटी जो यहाँ पर रहती है। हिल स्टेशन छोटा है, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सुविधाएं हैं, आम जीवन की जो ज़रूरतें वो भी यहाँ अवेलेबल है। इसके साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राथमिक शाला भी है यहाँ पर बच्चों के लिए, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर देखिए बच्चों में बहुत ही मासूमियत है, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस है जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। छोटे से गिफ्ट देने से भी जो इनकी मुस्कुराहट थी वो बहुत ही देखने लायक थी। यहाँ पर आने वाले ज़्यादातर लोग बच्चों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं। हम गिफ्ट तो नहीं ले पाए, लेकिन हम लोगों ने कुछ मनी के रूप में इन लोगों को इनके पेरेंट्स की प्रेजेंस में इन्हें कुछ मनी दी और उनके पेरेंट्स को भी कहा कि बच्चों के लिए कुछ ले लेना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, देखिए आज हम शहरों में रहने वाले बच्चों को बहुत कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं तो भी वो हैप्पी नहीं हो पाते, और ये बच्चे 10 रुपये में या 20 रुपये में भी इतने ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि इनकी हैप्पीनेस जो है बहुत ही वायरल फील होती है। तो आप भी दोस्तों अगर इधर आ रहे हैं तो इन बच्चों के लिए, इन मासूम से प्यारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर ज़रूर आइए, आपको तो अच्छा लगेगा साथ में इनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों, इतना सुंदर सफ़र तय करने के बाद जो बहुत ही सुनहरा है, मेरी तो अभी भी माइंड में पूरी यादें घूम रही हैं, सुंदरता घूम रही है, मासूम से प्यारे से बच्चों की मुस्कुराहट घूम रही है, और इस यात्रा को तय करते हुए हम पहुंच गए अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन शंकर दौद की तरफ। ये पूरा एरिया जो आपने देखा यहाँ पर, ये पार्किंग है यहाँ पर, मतलब आप पार्किंग कर सकते हैं अगर आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो, यहीं पर आपको पार्क करनी है। और यहाँ से बिल्कुल सामने से जो है ये फॉल दिखाई देता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ शंकर दौद वाटरफॉल। तो देखिए दोस्तों, ये है शंकर दौद का नज़ारा, कितना ब्यूटीफुली ये इतनी ऊंचाई से बह रहा है, ये तो मैं काफ़ी दूर से जूम व्यू आपको दिखा रही हूँ। जब इतनी दूर से इतना सुंदर लग रहा है तो यू जस्ट इमेजिन कि इसके पास जाकर कितना अच्छा लगने वाला है। और ये 360 डिग्री व्यू है पूरा, इसके आसपास की ब्यूटी का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जितना ये सुंदर दिख रहा है उतना आसान यहाँ तक पहुँचना नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों से जब हमने पूछा जो बहुत सारे नीचे से आ रहे थे, उन्होंने बताया कि किस कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा, और कुछ लोग तो आधे रास्ते से ही वापस आ गए, मतलब नीचे तक गए ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जिससे आपको ध्यान में रखना है, ताकि आप आसानी से इस वाटरफॉल को देखने के साथ साथ इसके प्रेजेंस को फील कर सके, कुछ समय पानी में बिता सके, और इतना ऊंचा ये जो वाटरफॉल है इसको ऊंचाई से गिरते हुए नीचे से देख सके। तो आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इस वाटरफॉल तक नहीं जा पाई, मैंने कुछ गलतियाँ कर दी थी। हाँ, मेरे साथ जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे वो ज़रूर गए। तो जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये देखिए ये पूरा रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके के ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए, पथरीली रास्ते से होते हुए हमें पहुँचना पड़ता है शंकर दौद की तरह। तो सबसे पहले जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको जो कपड़े पहनने हैं वो फॉर्मल कपड़े पहन के जाने हैं, जीन्स हो, ट्राउजर्स हो, पैंट हो, और हो सके तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, ताकि जो स्किन टैनिंग है वो ना हो, क्योंकि धूप कभी छांव होती रहती है। और अगर आप फुल स्लीव्स नहीं पहन के जा रहे तो सनस्क्रीन यूज़ करिए। उसके बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि क्योंकि बहुत पथरीला रास्ता है, थोड़ी सी गर्मी में पत्थर गर्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे सारे लोग जितने भी जा रहे थे सब लोग नंगे पैर जा रहे थे, और कई लोगों के पैर में छाले हो गए आने तक, क्योंकि 1.5 घंटे का समय ऑलमोस्ट लग जाता है नीचे से ऊपर आने में, जाने और आने में। तो आप अगर गर्म नहीं होने देना चाहते अपने पैर को, छाले नहीं पड़ने देना चाहते अपने पैरों में, तो आप स्पोर्ट्स शूज़ यूज़ करिए। और उससे भी बेहतर सॉल्यूशन है कि जो ट्रैकिंग शूज़ होते हैं वो शूज़ आप पहन के जाइए, क्योंकि उसमें चढ़ना बहुत आसान होता है, उतरना बहुत आसान होता है, बहुत अच्छी उसकी ग्रिप होती है, तो आप आसानी से बहुत जल्दी नीचे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप एक सनग्लास लेके जाइए, सनग्लासेस का यूज़ करिए, ताकि आपकी आंखों में कोई प्रेशर ना आए। और उसके साथ साथ जो है एक वाटर बॉटल उसे ज़रूर कैरी करिए, क्योंकि चलते चलते इस तरीके की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हमें प्यास भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब आप भी आनंद लीजिए शंकर दौद का। मैं कुछ देर के लिए चुप हो जाती हूँ, और आप देखिए कितना ब्यूटीफुल ये वाटरफॉल है, कितना सुंदर ये वाटरफॉल है, एंड यू ऑल्सो एंजॉय द ब्यूटी ऑफ शंकर दौद।
कुछ बहुत ही बेहतरीन और यादगार समय शंकर दूध में बिताने के बाद अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है विल्सन हिल स्टेशन। तो जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो भी देखिए, मैं आपको बता रही हूँ और दिखाने जा रही हूँ विल्सन हिल स्टेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।